बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000 इन 2023। मार्केट में नए नए लैपटॉप आए हैं और अगर आपको भी अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप बाय करना है 45,000 के बजट में फॉर कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग, मीडिया कंजप्शन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस या फिर आपको प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर रन करने हैं लाइक अडोबी प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा की बात नहीं कर रहा, फोटोशॉप, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, तो ये 5 बेस्ट सिलेक्टेड लैपटॉप है मेरी तरफ से जिन पर आप ये सभी काम आसानी से कर सकते हो। और मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने इंटेल के कोर i3 1315 यूसीपीयू को टेस्ट किया है जिसके बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने हैं। हमने रिसेंटली Asus VivoBook 15 इंटेल के Core i3 1315 UCPU वाले लैपटॉप का रिव्यू किया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना। अब डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, इन सभी पांचों लैपटॉप में से एक लैपटॉप को छोड़कर सभी लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री मिलने वाला है। तो शुरुआत करेंगे HP के 15FD0019TU लैपटॉप से। ये बहुत ही शानदार लैपटॉप है। इस लैपटॉप में आपको इंटेल का Core i3 1315 UCPU मिल जाता है, 8GB DDR4 3200MHz की RAM मिल जाती है जिसको आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 512GB की M.2 SSD मिल जाती है, Intel UHD ग्राफिक्स मिल जाएगा और इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD माइक्रो एज बेजल्स वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स और 45% का NTSC सपोर्ट मिल जाता है और एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में आने वाली है। फुल HD VFKM के साथ में आपको प्राइवेसी शटर मिल जाता है, तो HP ने आपकी बार अच्छा खासा इंप्रूव किया है। लेटेस्ट Wi-Fi कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 Cell 41 Wh की बैटरी मिल जाएगी और 65 Wh का अडैप्टर भी मिल जाता है और एक USB Type-C पोर्ट मिल जाता है जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, अलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल ये लैपटॉप 47,000 की प्राइस में अवेलेबल है, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus VivoBook 15, 12 जन और 13 जनरेशन दोनों लैपटॉप का रिव्यू किया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। इसमें भी आपको इंटेल का Core i3 1315 UCPU मिल जाता है, 8GB की RAM मिल जाती है जिसको आप 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB की M.2 SSD मिल जाएगी, इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाता है, 15 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है और 250 निट्स और 45% का NTSC सपोर्ट मिल जाएगा। इस लैपटॉप की डिस्प्ले एवरेज रहेगी, HD वेबकैम के साथ में आपको प्राइवेसी शटर मिल जाता है, लेटेस्ट Wi-Fi कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 Cell 42 Wh की बैटरी मिल जाती है और इस लैपटॉप में आपको एक USB Type-C पोर्ट भी मिल जाता है और इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट रीडर और बैकलिट कीबोर्ड ऑप्शनल मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी 45,000 की प्राइस में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये लैपटॉप परचेज करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब इस लिस्ट का नेक्स्ट लैपटॉप है MSI Modern 14। ये लैपटॉप आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स ऑफर करता है, इसमें भी आपको इंटेल का 1315 UCPU मिल जाएगा, 8GB की RAM मिल जाती है जिसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB की M.2 SSD मिल जाएगी, Intel UHD ग्राफिक्स मिल जाता है और 14 इंच की फुल HD IPS पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है और ज्यादातर ब्रांड्स अभी TN पैनल ऑफर कर रहे हैं बजट वाले लैपटॉप में, बट यहाँ पर MSI ने अच्छा काम किया है। HD वेबकैम मिल जाएगा, लेटेस्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 Cell 40 Wh की बैटरी मिल जाएगी और एक मल्टीफंक्शनल USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसी लैपटॉप में आपको MS Office नहीं मिलेगा और ये चीज तो आप जुगाड़ करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये लैपटॉप भी 45,000 की प्राइस में आपको अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन ऑफर कर देता है। अगर आपको ये लैपटॉप परचेज करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है Dell Inspiron 3530। इस लैपटॉप में आपको इंटेल का लेटेस्ट 1305 UCPU मिल जाता है, 8GB की RAM मिल जाती है जिसको आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 512GB की M.2 SSD मिल जाएगी, इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाता है, 15.6 इंच की फुल HD 120Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है और ये WVA पैनल के साथ में आएगी। तो अगर आपको बजट में अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। HD वेबकैम मिल जाता है, लेटेस्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाएंगे और 3 Cell 41 Wh की बैटरी मिल जाएगी और Type-C पोर्ट भी मिल जाता है। अगर आपको ये लैपटॉप परचेज करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है अगेन Asus VivoBook 15, ये 12 जन वाला है। भाई तुम 13 जन का बोल के 12 जन के लैपटॉप चिपका रहे हो, रुको तुम, पहले i3 1220p और इंटेल के 1315U का कंपेयर देख लेते हैं। आप बताओ कौन सा वाला बेहतर है, यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था। अगर आपको बजट में अच्छी मशीन मिल रही है, 1315U से ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, तो फिर पैसा वेस्ट क्यों करना। तो इस Asus VivoBook 15 लैपटॉप में आपको इंटेल का Core i3 1220p CPU मिल जाता है, 8GB की ऑनबोर्ड रैम मिल जाती है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 16GB तक, 512GB की M.2 SSD मिल जाती है, इंटेल USD ग्राफिक्स मिल जाएगा, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, HD वेबकैम के साथ में आपको प्राइवेसी शटर का ऑप्शन मिल जाएगा, लेटेस्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 Cell 42 Wh की बैटरी मिल जाएगी
जाएगी। इसमें आपको फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है और बैकलिट कीबोर्ड ऑप्शनल है और अलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाता है। और ये लैपटॉप आपको ओनली 43,000 की प्राइस में मिलता है। कभी कभी इस लैपटॉप की प्राइस 41,000 रहती है। और ये चीजें मैं कम्युनिटी में शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप फॉलो किया करो। और इस लैपटॉप का कम्प्लीट रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। सो ये थे बेस्ट 5 लैपटॉप जिनको आप 45,000 की प्राइस में बाय कर सकते हो इन 2023। कोई सजेशन या डाउट है तो कमेंट कर दो, और आप हमें इंस्टा पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक मौज लेते रहो।